आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। आखिरकार उद्धव ठाकरे शिवसेना के संजय राउत को बेल मिल गई। पीएमएलए कोर्ट द्वारा जो कि 103 दिन के बाद मिली है, इस मामले में संजय राउत गुट के वकील नितिन सातपुते ने हमसे बात की और जानने की कोशिश की कि क्या कुछ हुआ। आज के दिन पीएमएलए कोर्ट में और ईडी के वकीलों ने क्या दलीलें पेश की कोर्ट के सामने, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए संजय राउत को बेल दी। और आगे संजय राउत पक्ष के वकीलों द्वारा क्या दलीलें रखी जाएंगी मुंबई के हाईकोर्ट में, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट से बेल मिलते ही ईडी के वकीलों ने सीधा मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है। सुनिए क्या कहा नितिन सातपुते ने इस सुनवाई के बारे में। आखिरकार शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत को जो है पीएमएलए कोर्ट से राहत मिल चुकी है, बेल मिल चुकी है। मेरे साथ में संजय राउत कुंबे के जो वकील हैं नितिन सातपुते जी, वो मेरे साथ में मौजूद हैं। सर, आज के दिन के बारे में अगर मैं जिक्र करूं, क्या कुछ डिबेट्स हुई दोनों पक्षों के बीच में? कोर्ट के सामने सारी दलीलें पेश की गई है और संजय राउत जी का इसमें के अंदर कोई रोल नहीं, कोई एविडेंस उनके खिलाफ नहीं मिला है, इसके लिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है और इसके लिए उनको जमानत ग्रांट कर दी है। माननीय कोर्ट ने उनको 2 लाख की जमानत ग्रांट कर दी है और कैश बिल पे उनके कैश बिल भी भर दी गई है। शायद अभी थोड़ी देर के बाद वो छूट जाएंगे। इसके बाद शायद ईडी जो है वो ऑब्जेक्शन ले रही थी, तो शायद उनको ये बेल जो कोर्ट ने ग्रांट किया मंजूर नहीं है। शायद इसकी वजह से वो शायद अपील में जा सकते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट में वो जाने वाले हैं। शायद कोर्ट से मांग कर रहे थे कि स्टे करो, लेकिन कोर्ट ने उनकी बातें सुनी नहीं और वो उनको कल बुलाया है कि आपकी जो दलीलें हैं कल पेश करो, कल देखेंगे उसके बारे में। बिल्कुल नितिन सातपुते जी, जैसे कि यानी पीएमएलए कोर्ट की बात करूं तो वहां भी ईडी के जो वकील थे उन्हें लताड़ा गया कोर्ट की तरफ से, जज की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो जो क्लेम था, जो आरोप थे, बेबुनियाद आरोप थे, बेसलेस थे और इनको जो फंसाया गया ये ऐसा प्राइम अप से साबित हो चुका है कोर्ट के सामने, मतलब ऐसे सारी बातें आ चुकी है। इसके लिए पीएमएलए केस में जल्दी जमानत होती नहीं, लेकिन इस केस में कोर्ट को ये मानना पड़ा कि ये सारा केस जो है बेबुनियाद है, बोगस है और बेसलेस है, जानबूझ के ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है और ईडी जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्ट कर रही है। शायद ये इस वजह से कोर्ट को ऐसा लगा होगा, इसलिए कोर्ट ने संजय राउत जी की जमानत अभी मंजूर की है और उनको न्याय मिला है। बिल्कुल सर, मैं अगर हाईकोर्ट की बात करूं, तुरंत ही उसके बाद में जब वहां से बेल मिल गई, उसके बाद में वो लोग जो है ईडी के जो वकील हैं उन लोगों ने हाईकोर्ट का रुख अपनाया, हाईकोर्ट की तरफ रुख किया, मगर हाईकोर्ट ने भी जो है कल की तारीख दे दी है। तो सर, क्या लगता है, क्या हाईकोर्ट कानूनन दावपेच के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाईकोर्ट में भी क्या आप लोग खड़े होंगे इसको चैलेंज करने के लिए? जी बिल्कुल, जो भी कोर्ट न्यायालय की बात है, रिप्रेजेंटेशन की बात है, हम लोग वहाँ पर उनको डिफेंड करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे। और रहा सवाल ईडी का, ईडी अगर कोई बेल एप्लीकेशन, बेल कैंसिलेशन चैलेंज या बेल जो ग्रांट हुआ है वो चैलेंज करती है तो हम हाईकोर्ट में भी उनको डिफेंड करेंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक ऑर्डर पास हुआ था, ईडी ने ऐसी ही एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की थी और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को वहां पर लताड़ा था, बहुत फायर किया था, उनको कहा था कि ये बेसलेस पिटीशन है और शायद उनको फाइन भी किया है। तो शायद इसी तरह का ये पिटीशन शायद हाईकोर्ट के सामने इसी तरह का शायद फिर से ईडी को फेस करना पड़ेगा। ईडी शायद अपना, मुझे पता नहीं कि उनका क्या ईगो हर्ट हो रहा है, किसी कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्पज के लिए शायद ऐसा कर रहा है, ऐसा लग रहा है सब सारी जनता को लग रहा है। तो शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको फायर किया था, उनको लताड़ा था और उनको पेनल्टी भी इम्पोज की थी। जी सर, मैं अगर आज की सुनवाई की बात करूं कोर्ट में तो क्या विरोधी पक्ष या पक्षकार की तरफ से क्या क्या दलीलें पेश की गई जजेस के सामने? अभी ईडी जो है, अभी सरकार होता है, ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो अगर कोई केस बनता है तो वो सरकार का मामला बनता है। जी। सारी जो पत्राचार, जो घोटाले के बारे में जो एलिगेशन, झूठे एलिगेशन जो लगाए गए थे, मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग के जो हवाला या जो भी है, वो सारे जो सबूत उन्होंने पेश किए गए वो सारे कमजोर थे कोर्ट के सामने। कोर्ट के सामने उनके बेल रिजेक्ट हो ऐसा कोई भी एक भी कारण कोर्ट के सामने आया नहीं है। इसके लिए ये केस के अंदर, पीएमएलए केस में आपने देखा होगा इतने सालों से किसी को इतनी जल्दी बेल मिलती नहीं, और ये मामले में कोर्ट को ये साबित ऐसा मालूम पड़ा या साबित हुआ कि ये सारा केस बोगस है, बेसलेस, बेस फैक्ट जो बेस जो है उस कोर्ट इस केस का वो सारा असत्य के ऊपर है। इसके लिए कोर्ट ने उनकी जो सारा जो बेल एप्लीकेशन का अपोजिशन था उनका, वो सारा ठुकरा दिया गया है और उनकी बेल को मंजूर किया है। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा नितिन सातपुते जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के रखे हुए वकीलों की जो टीम है, तो क्या संजय राउत जी की टीम में जिस तरीके से आप भी हैं, तो क्या आप लोग इनसे सीधे टक्कर लेने के लिए आने वाले समय में भी तैयार हो?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से वो दलीलें पेश की जाती है, उनके वकील आते हैं, ईजी आता है, ईजी थी अनिल सिंह जी थी, एडिशनल ईजी है, एडिशनल गवर्नमेंट लीडर है वो, तो वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने केस को बहुत जोर तो शोर से अपोज किया है, पूरी तरह दलीलें पेश की है और हम भी यहाँ तक बॉम्बे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा था, हम वहाँ पर जाएंगे और सरकार के इस केस को हम पूरी तरह से अपोज करेंगे, जोरदार से अपोज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सुना, ये थे नितिन सातपुते जी जो कि संजय जी के कुंबे के वकील हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आज जो है कोर्ट में ईडी के जो वकील है पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें भी लताड़ा और साफ जो है सिरे से इस केस को जो है खारिज करते हुए इस मामले पर बेल दी, जो कि ईडी इस बेल के बिल्कुल खिलाफ थी मगर पीएमएलए कोर्ट ने बेल दी, जिसको चैलेंज करते हुए वो लोग सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ गए मगर हाई कोर्ट ने भी कहा जो मामला एक महीने से चल रहा है, आप कहोगे कि एक घंटे के अंदर अगर उसका जजमेंट दे दे तो ये नामुमकिन है, आप कल आइए और कल इस मामले पर फिर से हम सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि क्या तथ्य है इसके अंदर और उसके बाद में आगे का फैसला देंगे। कैमरामैन सटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। बाजू 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 बा